हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होगा। मैं आज बात करूँगा आप लोगों के बीच में मेरे बच्चों की, हिंदी में कैसे बेहतर स्कोर कर पाएंगे, कैसे मेरे बच्चों 100% आप एक्यूरेसी कर परसेंट दोनों रखेंगे। पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं बताऊँगा मेरे बच्चों की चुटकियों में एक ट्रिक दूंगा जिसमें मेरे बच्चों आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा चीज़ें करने में और समझने में, ठीक है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में मेरे बच्चों सबसे ज़्यादा जो बच्चे परेशान होते हैं हर सब्जेक्ट को लेकर, सर मैथ में अच्छे स्कोर कैसे करें, रीजनिंग में कैसे स्कोर करें, मैथ में कैसे स्कोर करें, जीके जीएस में कैसे करें, हिंदी में कैसे करें, वो सारी चीज़ों के प्रति। आज हिंदी को लेकर आए मेरे बच्चे, कुछ दिनों बाद हम आपको रीजनिंग के भी बताने वाले, लेकिन हिंदी का जो बताऊँगा वो काफ़ी ज़बरदस्त होगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये स्ट्रेटेजी प्लान पढ़ाई का, सबसे पहली बात मेरे बच्चों आपको मैं बता दूं कि ये स्ट्रेटेजी प्लान सबसे बड़ा क्या होना चाहिए, कि सबसे बड़ी बात मेरे बच्चों की जो आप तैयारी करते हो, जैसे मैथ का हो गया, ठीक है, या रीजनिंग हो गया मेरे बच्चे, ठीक है, जीके जीएस हो गया, हिंदी हो गया, या मेरे बच्चे आप लोगों को इंग्लिश हो गया, ठीक है। अगर हम सभी को पता है एक चीज मेरे प्यारे साथियों कि सर सभी में 20-20 क्वेश्चंस के पैटर्न दिए गए हैं, ठीक है, 20-20 क्वेश्चन के पैटर्न हमारा दिया गया है। अगर हमने 20 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, टोटल 80 क्वेश्चन है ना। अगर टारगेट आज हम हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं या लैंग्वेज पेपर में बात कर रहे हैं कि सर कैसे हम अपने टारगेट को अच्छे कर पाएं, कैसे हम हिंदी में अच्छे स्कोर कर पाएंगे, ठीक है, चीज़ों को समझना। देखिए सर, सबसे पहले हम सिलेबस को जानेंगे कि सिलेबस में क्वेश्चन आया कहाँ से, क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है मेरे बच्चे। तो हमने बोला कि सर विशेषण, क्योंकि ग्रामर में मेरे बच्चों अगर विशेषण के बारे में बात करें तो विशेषण से एक प्रश्न पूछा गया था, हम 2023 से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस का जो पैटर्न था वो पहली बार 2022 में लाया गया, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा कि सर रिक्त स्थान में दो क्वेश्चंस, वाक्य प्रतिस्थापन, मेरे बच्चों जो प्रतिस्थापन करने का, या तो हम प्रतिस्थापन के हैं या पर्यायवाचक शब्द इसमें काउंट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकों शब्द के एक शब्द मेरे बच्चे, तीन क्वेश्चन, सर्वनाम से एक प्रश्न है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द मेरे बच्चों, ये भी तीन क्वेश्चन आ गया है। गद्यांश अगर बात करें तो पांच क्वेश्चंस, पर्यायवाचक शब्द का दो क्वेश्चंस, वाक्य शुद्धि में दो क्वेश्चंस, मुहावरे लोकोक्तियां का एक क्वेश्चंस, वर्तनी का एक क्वेश्चन, कहीं कहीं दो क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। अच्छा, हम कैसे, ये तो हम लोग समझ गए कि सर इतने ऐसे टॉपिक से प्रश्न हमारा आ रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे बच्चे में जो आता है मेरे बच्चे, चाहे वो पर्यायवाचक शब्द हो या मुहावरे हो, ठीक है, या पर्यायवाचक शब्द हो मेरे बच्चे, पर्यायवाचक शब्द हो या मुहावरे हो, मुहावरे या लोकोक्तियां, ठीक, ये दो तीन चीजें ऐसे हैं, विलोम शब्द, जब तक आप इन चीजों के बारे में मेरे बच्चे अगर अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन का आंसर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो ऑप्शन होता है वो बिल्कुल एज इट इज होता है, देखने में अर्थ लगेगा कि समान है, लेकिन कंप्लीटली जब आप अर्थ समझ नहीं पाएंगे समझ में नहीं आएगा। तो सबसे अच्छी बात मेरे बच्चों की जितना ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर पाए। अगर बात करें सर पर्यायवाचक में तो लगभग 60 ऐसे क्वेश्चन है जो सर बार बार घुमाता है, इसके ऑप्शंस में 2-3 बार घुमा देता है। विलोम शब्द सर लगभग 40 क्वेश्चन ही जिससे सर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है। मुहावरे लोकोक्तियां मात्र सर 25 क्वेश्चन है सर जिसमें सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों तीनों टॉपिक को मिलाकर अगर हम 6 नंबर को लाते हैं, मतलब 6 × 12 नंबर हम ला सकते, क्यों नहीं, क्यों टफ कैसे हो गया, ईजी हो गया ना, 40 क्वेश्चन में 12 नंबर तो यही तीनों से आगे सर। अब बोलोगे सर कैसे, तरीका क्या है पढ़ने का, सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों जो टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं वो टॉपिक को कवर किया जाए, इसके बारे में अच्छे नॉलेज चाहिए, अच्छा ज्ञान चाहिए। अच्छा ज्ञान कहाँ से मिलेगा, इसके प्रीवियस क्वेश्चन को उठाने के बाद, हिंदी में इसके प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे अगर विशेषण हम पढ़ रहे हैं तो विशेषण के पूरे कंप्लीट हिस्ट्री बारे में जान जाएंगे कि सर विशेषण है क्या, विशेषण के कितने भेद हैं, क्या इसके एग्जाम्पल पुट किया जा सकता है। रिक्त स्थान तो मेरे बच्चों ये ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, रिक्त स्थान में आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन से पता चल पाएगा। प्रतिस्थापन में पर्यायवाचक शब्द में ही आएगा मेरे बच्चे। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द मेरे बच्चे, तीन तीन प्रश्न मतलब बल्कि एक ही आना चाहिए, ठीक है ना, दोनों एक ही है। सर्वनाम एक क्वेश्चन, संज्ञा और सर्वनाम से प्रश्न आता है मेरे बच्चे एक क्वेश्चन, अगर हम बात करें संज्ञा और सर्वनाम से एक क्वेश्चन। मुहावरे, विलोम शब्द और साथ ही साथ पर्यायवाचक शब्द मेरे बच्चे, विलोम शब्द और पर्यायवाचक शब्द दोनों मिला के मेरे बच्चे 3 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, विलोम शब्द और पर्यायवाचक शब्द मिला के 3 क्वेश्चन आएगा। गद्यांश में 5 क्वेश्चन तो है भैया, पर्यायवाचक शब्द मेरे 2 क्वेश्चन तो हमने बोला इसलिए दोनों मिला के, वाक्यांश शुद्धि में। तो ये टॉपिक को हम कैसे कवर करें, तो मेरे बच्चों आप लोग को पता है कि SSC GD का कंप्लीट, हमने कंप्लीट जो यूट्यूब पे वीडियोस हमने डाला
विजय सीरीज, एसएससी विजय सीरीज देखेंगे सर, पूरा कंप्लीट विलोम शब्द, पूरा कंप्लीट प्रवाचिक शब्द, वो भी पूरा कंप्लीट डिटेल्स में मेरे बच्चों क्या चीज़ दे रहे हैं तो आपको मैं बताता हूँ। प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ, टोटल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2012 से लेकर 2023 तक के जितने भी प्रश्न हैं हिंदी के हर वो क्वेश्चन में करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और रीजनिंग का तो जरूर जुड़ा करें मेरे बच्चे। प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट बनेगा। आप सोचेंगे हम रट जाएं, रटने से नहीं होगा मेरे बच्चे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतरीन होगा। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों इसके ऑप्शंस जाने का मौका मिलेगा, इसके ऑप्शंस में क्या क्या आता है। एसएससी बार बार क्वेश्चन नहीं बनाता, एसएससी का नियम है मेरे बच्चे कि 70% कंटेंट जो होता है वो प्रीवियस से उठाता है, 30% कंटेंट जो कुछ आता है नया वो जीके जीएस करंट अफेयर से आता है मेरे बच्चे, बल्कि मैथ रीजनिंग और हिंदी जो कंटेंट होता है वो प्रीवियस से उठाकर आपको चिपकाया जाता है। तो अगर हम प्रैक्टिस बेहतर से करेंगे तो हम स्कोर अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो याद रखा करें, YouTube के माध्यम से मेरे बच्चों आप लोगों का बैक टू बैक लेकर आ रहे हैं, जो नहीं देखे होंगे जाके देखिए, हिंदी का पूरा सीरीज चल रहा है, विलोम का, प्रवाचिक शब्द का, अनेकों शब्द का, एक शब्द मुहावरे, लोकोक्तियां, सबका चल रहा है मेरे बच्चे। रीजनिंग में आप लोगों का चल रहा है मेरे बच्चों सीरीज, अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग मेरे बच्चों, मिसिंग नंबर, फिगर काउंटिंग, ये सारी चीजें, डाइस, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने की जा रही है। तैयारी उस लेवल से करना पड़ेगा मेरे बच्चे, भीड़ इकट्ठा हो जाने से, यार भीड़ के पीछे भागने से मेरे बच्चे नहीं होगा कि भैया यहाँ पे भीड़ है तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे। जहाँ पे भी आपको प्रीवियस ईयर करने का या देखने का मिल रहा है मेरे बच्चे, कोई भी भीड़ वाले टीचर्स भी है ना, जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है वहाँ भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन ही करवाएगा, अपने मन से कोई क्वेश्चन आपको देने वाला नहीं है, ठीक है। तो मेरे बच्चों छोटा चैनल को या बड़ा चैनल को कभी मत आगा करो, जब प्रीवियस कराया जा रहा है, प्रीवियस कहीं भी है, देखने का मिल रहा है, सुनने का मौका मिल रहा है, पढ़ने का मौका मिल रहा है, पढ़ो। कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है तो इसके अंदर दम है तभी आपको पढ़ा रहा है, नहीं दम होगा कोई नहीं पढ़ा पाएगा। आपके अंदर क्वालिटी है तो आप भी पढ़ा पाएंगे, क्वालिटी नहीं रहेगा तो आपका भी कहीं ना कहीं अंदर अंडर का जो कॉन्फिडेंस अंदर का ना वो नहीं जगेगा कि भैया हम नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट होगा, तैयारी ज़बरदस्त रखें, क्योंकि आप सोचते होंगे कि अगले बार आएगी वैकेंसी, फिर अगले बार आएगी, फिर अगले बार आते रहेगी, भैया वैकेंसी का काम है आना, और ये लास्ट ऑप्शन है 2024। आप सोचे होंगे ना कि बाद में हम ले लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो मेरे बच्चों 2024 के बाद सरकार कोई भी नहीं बनी, याद रखना, एक दो साल चुप हो जाएगी और यही एक दो साल में आपका यह चला जाएगा, ठीक है। तो तैयारी जबरदस्त तरीके से रखिए, प्रैक्टिस दबाकर करिए, जितना प्रैक्टिस हो सकता है मेरे बच्चों, टीचरों के साथ कनेक्ट होकर, अरे जो भी टीचर साथ कनेक्ट हो रहा है, सभी टीचरों के साथ देखो ना, सभी टीचरों का 2-3 टीचर को फॉलो कर लो, हिंदी का सभी का देख लो, रीजनिंग 2-3 टीचर को फॉलो कर लो, सिर्फ एक को पकड़ के बैठे रहोगे ना भाई तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रख लेना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर दोनों करिएगा, मिलते हैं आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी गाइस।